भारतीय राजनीतिज्ञ सामाजिक न्याय के पुरोधा महान समाज सुधारक काशीराम की 17वीं पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि काशीराम ने जीवन पर्यंत गरीब पिछड़े और वंचितों के लिए संघर्ष किया, उनको समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। मानेवर काशीराम जी के इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और कहा समाज के हर वर्ग को बराबरी का दर्जा दिलाने का काम करेगी। हरजनों को एकजुट करने में जो भूमिका मानव काशीराम की थी वो आज तक किसी हरजन नेता ने नहीं की। वो अपने पहले सर्वप्रथम पंजाब से सांसद चुने गए और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उनका इतना वैर जम गया कि कांग्रेस को अगर खत्म करने का काम हो गया तो काशीराम की बीएसपी के संस्थापक काशीराम का। इस समय आप देख रहे हैं कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं आती, क्या ऐसी बात कर रहे हैं आप? सब गठबंधन हमारे सब गठबंधन में कोई रहा नहीं जो गठबंधन में नहीं है। यहाँ मायावती अपने आप को बाहर कह रही है, नहीं कहते नहीं करें करे सामने। तो आइए हम बात करते हैं 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से दखल करने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी यह दावा कर रही है कि बीएसपी वोटर इस समय पूरी तरीके से सपा के साथ है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में यह अपने आप खुलकर समझ में आ जाएगा कि किस तरफ वोटर जा रहे हैं।